खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जहीराबाद में आज सीपीआई की जानिब से जहीराबाद में मिलन मार्च के मौके पर एक रैली निकाली गई, जिसमें पार्टी के तमाम मेंबर्स मौजूद थे। ये रैली संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सैयद जलालुद्दीन ने अपनी पार्टी के कारकुनों के साथ निकाली है। रैली निकालने के बाद सभी पार्टी के मेंबर्स को जहीराबाद पुलिस ने अरेस्ट करके उन्हें टाउन पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसके थोड़ी देर बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया। छूटने के बाद सीपीआई के तमाम कारकुनों ने आईवी गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। मोहम्मद वसीउद्दीन और मोहम्मद फैयाज अहमद के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। जहीराबाद के अंदर रैली निकाली गई। इस रैली का अहम मकसद ये रहा, चंद्रशेखर साहब आने के बाद ना तो धरने रहेंगे ना तो रैली, ऐसा कहा। लेकिन जो मिलन मार्च चंद्रशेखर को और केसीआर को और टीआरएस वालों को मालूम होना चाहिए, जिस टाइम बॉन्ड के अंदर टाइम बॉन्ड पे लाखों लोगों को, जो कुल जमात के लोग उस तेलंगाना के परेड में सबसे अव्वल जमात सीपीआई भारत कम्युनिस्ट पार्टी पूरे 23 जिलों के अंदर अपनी 22 एक रखी। लेकिन आज अपना हक मांगने के लिए अगर कोई टाइम बॉन्ड जाना चाहता है, मिलन मार्च मनाना चाहता है, तो उसको घर से उठाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है फिर से वही निजाम का दौर। पुलिस वालों को सिवाय कोई पॉलिटिकल पार्टी के अलावा दूसरा काम नहीं नजर आ रहा है। पुलिस वाले जो अरेस्ट कर रहे हैं, इसकी मजम्मत करता हूं इस बात की मैं संगारेड्डी जिला समिति की तरफ से, कि जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया है बेशक उनको छोड़ दिया जाए। और मिलन मार्च वैसे तो कैसे भी होके रहेगा, तुम जहां जहां अरेस्ट कर रहे हो वहां पर हर जगह सीपीआई हो या जेएसी हो और जमाते हो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। केसीआर जी, आपकी कार तो भर के बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत जल्द आप इस तेलंगाना से बरी जुम्मा होके अपने घर को वापस जाने के दिन आपके बिल्कुल करीब आ चुके हैं। आपका अपना